सी मतलब लोन लिया गया है, उन लोन को वसूलने के जो तरीका है बहुत ही मतलब भयावह है, बहुत ही मानवता के शर्मसार कर देने वाली है। जब ये लोग वसूलने जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि पैसा कहीं से भी दीजिए, मैं आपके सामने वो अब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, मैं वीडियो है वीडियो दे दूँगी, जो महिलाओं की दर्द है वो आप अपने आप देख सकते हैं कि कहते हैं खुद को बेचो लेकिन तुम लोन चुकाओ, कहीं से भी हमको किस्त देना ही देना है। उसके बाद अगर नहीं दे पाती तो उसका ताला तोड़ देते हैं, उसके घर का गैस सिलेंडर, बकरी, बाइक, जो भी गैस चूल्हा जो भी पाते हैं, राशन पाते हैं, सारे चीज़ें वो उठा ले जाते हैं, बेचते हैं। उसके बाद भी इनकी मन नहीं भरते तो कहते हैं किसी की जवान बेटी है तो कहते हैं तुम्हारे जब बेटी को हम उठा ले जाएंगे। साथियों नमस्कार, बहुजन मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आज दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर। गोरखपुर से चलकर सीमा गौतम हमारे बीच आई हैं, अम्बेडकर जन मोर्चा की वो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और लगातार बहुजनों के, दलितों के, शोषितों के, पिछड़ों के वो मुद्दे उठाती रही हैं। पिछले साल अक्टूबर में जो प्रदर्शन हुआ था जमीन के मोर्चे को लेकर, जिसमें दिल्ली से लगभग 5 पत्रकार और तमाम मिलाकर 16-17 लोग 24 दिन जेल में रहे थे, उनमें मैं भी था। अभी क्या हुआ है कि समूह लोन को लेकर कुछ लोगों की शिकायतें थीं जिनके निराकरण को लेकर अम्बेडकर जन मोर्चा गोरखपुर से आवाज़ उठा रहा था, लेकिन कुछ ऐसा घटित होता है या ये कहें कि मनुवादी सरकारें नहीं चाहती हैं कि ये लोग दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की आवाज़ उठाएं, तो अम्बेडकर जन मोर्चा के जो संयोजक हैं श्रवण कुमार निराला जी, उनको जेल में डाल दिया गया है, उनको जमानत अभी तक नहीं दी गई है। पूरी वार्ता करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, क्या है मामला, क्या होता है समूह लोन, उस पर सीमा जी से। सीमा जी स्वागत है दिल्ली में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सीमा गौतम है और मैं गोरखपुर से आई हूँ। हमारा एक संगठन है अंबेडकर जन मोर्चा। अंबेडकर जन मोर्चा के तहत हम लोग गोरखपुर में गरीब, दबे, कुचले, शोषित, वंचित का हम लोग आवाज़ उठाते हैं। पिछले 10 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने ज़मीन का आंदोलन किया और ज़मीन के आंदोलन में गोरखपुर के DM साहब, SSP साहब आए, हमारा ज्ञापन लिए और 12 बजे रात के बाद, ज्ञापन लेने के बाद 12 बजे रात के बाद जब वो हम अपना आंदोलन समाप्त कर दिए उनके आदेशानुसार, उसके बाद हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 16-17 हमारे साथी गिरफ्तार हुए, पत्रकार साथियों समेत बहुत सारे हमारे लोगों को उठाया गया। साथियों, हम दलित हैं गोरखपुर में, अगर यही आंदोलन दूसरे लोग करते हैं, अभी ब्राह्मण सब महासभा के लोग करते हैं, निषाद महासभा के लोग करते हैं, यादव महासभा के लोग करते हैं, अपने हक अधिकार की बात वो भी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर FIR नहीं होती है। हम अगर आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो 11 बजे रात को हमारा ज्ञापन लिया जाता है और 2 बजे रात को हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 महीने तक मेरे घर पर, मैं सीमा गौतम गोरखपुर से मैं बता रही हूँ कि मैं दलित हूँ, मुझे दिल्ली आना पड़ा क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि 2 महीने तक पिछले आंदोलन, जमीन आंदोलन के लेकर के 2 महीने तक मेरे घर पे दिन में 4 बार, रात में 3 बार, 2 बार हमारे घर पे छापा मारा जाता था। 3 दिन आंदोलन के 3 दिन बाद हमारे भाई को गिरफ्तार किया गया था, हमारे रिश्तेदारों को 25 किलोमीटर दूर जाकर हमारे रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब जाँच हुआ तो गोरखपुर के जो जिला जज हैं, जो हम पे झूठी आरोप लगाई गई थी कि हमने गला दबा के मारने की कोशिश किया, उसको उन्होंने खारिज किया। उन्होंने सीधे लिखा कि कहीं भी निशान नहीं गले पे पाया गया, ये तथ्य गलत है, ये कह करके उन्होंने खारिज किया, जबकि हमारे पर सारे मुकदमा झूठा था, ये कोर्ट में साबित हो गया। अभी आंदोलन चल रहा है, हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था समूह लोन। आपको समझना होगा कि समूह लोन क्या है। गाँव में ये जो उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर समूह लोन दे रही है, सरकार दे रही है, लेकिन उसी के आड़ में ये जो प्राइवेट समूह लोन है, जिनके पास 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, वो लोग गांव में जाते हैं, भोली भाली महिलाओं को कहते हैं कि तुमको 2% ही लोन देना पड़ेगा, मतलब सारा आंकड़ा वो सरकारी बताते हैं। मेरे पास कम से कम सैकड़ों वीडियो है, मैं आप लोगों को गाँव से अब वीडियो आ रही हैं, उन वीडियो को मैं दिखा सकती हूँ कि 2% कहते हैं और लिखित रूप से ये जो अपना पासबुक देते हैं उसमें लिखित है 25% से 26% तक ब्याज वसूलते हैं, ये लिखित है इनका। यहाँ तक भी ठीक है, उनको कहते हैं, जो महिलाएं नहीं तैयार होती हैं लोन लेने के लिए, उनको कहते हैं आपका राशन नहीं मिलेगा, आपका राशन निरस्त हो जाएगा, आपका आधार कार्ड निरस्त हो जाएगा,
तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हारे नाम से हम दूसरे को दे देते हैं, इस तरह कर करके लोन देते हैं। जब एक लोन नहीं भर पाती है तो कहते हैं हम दूसरे एजेंट का, दूसरे साहब को भेज रहे हैं, उनसे लोन लेकर के तुम हमारा चुकता कर दो। पहला लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया जाता है, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन, इसी तरह कर करके आठ आठ दस दस लोन ले ली। और लेने के बाद वो हाल क्या हो रहा है कि जिसके पास महीने का 2000 रुपया भी इनकम नहीं है उसके पास 10-10 लोन है। ये मैं नहीं कह रही, मेरे पास 20 मतलब सैकड़ों वीडियो है जो वहाँ के गांव के लोकल यूट्यूबरों जाकर के यूट्यूबर जाकर बनाए हैं, वो वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि 10-10 मतलब लोन लिया गया। उन लोन को वसूलने के जो तरीका है बहुत ही मतलब भयावह है, बहुत ही मानवता के शर्मसार कर देने वाली है। जब ये लोग वसूलने जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि पैसा कहीं से भी दीजिए, मैं आपके सामने वो अब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, मैं वीडियो है वीडियो दे दूँगी, जो महिलाओं की दर्द है वो आप अपने आप देख सकते हैं कि कहते हैं खुद को बेचो लेकिन तुम लोन चुकाओ, कहीं से भी हमको किस्त देना ही देना है। उसके बाद अगर नहीं दे पाती तो उसका ताला तोड़ देते हैं, उसके घर का गैस सिलेंडर बकरी बाइक जो भी गैस चूल्हा जो भी पाते हैं राशन पाते हैं सारे चीज़ें वो उठा ले जाते हैं बेचते हैं। उसके बाद भी इनकी मन नहीं भरते तो कहते हैं किसी की जमान बेटी है तो कहते हैं तुम्हारे जब बेटी को हम उठा ले जाएंगे, तुम्हारे बेटी के साथ हम रेप करेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये पब्लिक कह रही है, वीडियो है मेरे पास, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है। साथियों जब ये लेकर के हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, जब हम इसका आवाज़ हमने उठाया, हमने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, गोरखपुर में कुछ नहीं किया, हमने 3 अक्टूबर को हमारे पास एक ज्ञापन है, हमने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को हमने लिखा कि गांव में ये समूह लोन के नाम पे एक दूसरे तरह के सुदखोरी है और आपको इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। ये जब हमने लिखा तो हमारे ऊपर उन्होंने क्या किया, हमें जान से मारने की धमकी आई, 2 नंबर से हमें जान से मारने की धमकी आई। हमने उस नंबर से कंप्लेन किया, मुझे नहीं पता, हम लोगों को कुछ नहीं पता, इन जो समूह सुदखोर हैं इन लोगों ने अपने एजेंटों के द्वारा कैसे महिलाओं को बरगलाए, कैसे इनके उस क्षेत्र में जहां पे हम कभी हमारा काम नहीं रहा, हमारा लिंक नहीं है, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, हमारे संगठन का कोई कार्यकर्ता नहीं है, उस क्षेत्र से उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत से हम लोगों पे लगाया गया उल्टा कि हमने 500 रुपया माननीय श्रवण कुमार निराला जी जो अम्बेडकर जनमोर्चा के मुख्य संयोजक हैं, श्रवण कुमार निराला जी सीमा गौतम जी जा करके गांव की सुना है हमने, हमारा FIR मैं आप लोगों के FIR शेयर करूंगी, FIR में देखिए उन्होंने लिखा है कि ऐसा सुनने में आया है कि सीमा गौतम श्रवण कुमार निराला जी गांव में जाकर 500 रुपया लोन माफी कराने के लिए हाँ असूली की है। ये हम पे FIR लगा, हम पे आरोप लगा है और दस्तावेज जो खुद बदल रहे हैं, ये महिलाएं कह रही हैं कि 100-100 रुपया 500-500 रुपया ले करके आधार कार्ड बदलते हैं, और उन्होंने कहा कि हमको बता दिया कि ये दस्तावेज बदल रहे हैं, जबरदस्ती अंगूठा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकारी काम में ये उत्पन्न बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साथियों मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जब हमने ज्ञापन दिया तो इस पे RBI ने संज्ञान में लिया, क्योंकि हमने RBI को भी लिखा था तो RBI ने संज्ञान में लिया है, तो 4 कंपनियों को जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियाँ हैं, 4 कंपनियों का आशीर्वाद समेत आरोहण जो कंपनी है चारों पे रोक लगा दिया है समूह लोन बांटने। मैं अभी एक तो मुझे याद है आशीर्वाद है, ये एक आरोहण है, 2 कंपनी और है मुझे नाम नहीं याद है, मैं आपको दे दूंगी। तो 4 पे उन्होंने बैन लगा दिया है, ये हमारे पास पेपर में भी कटिन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी कुशीनगर में 5 समूह सुदखोर पकड़े गए हैं। ASP साहब जो होते हैं उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ऐसे कहीं भी हो रहा है, उन्होंने लैपटॉप मोबाइल चार्ज जो भी है उन्होंने पाया है कि ये बदल रहे थे और महिलाओं को बोली वाली महिलाओं को ये उनको बहला फुसला करके जबरियन लोन देते थे, उनको लोन वसूलने की जो तरीका है तो उनके साथ मारपीट गाली गलौज सब कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, SP साहब का भी हमारे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको वो रिकॉर्ड भी दे सकती हूँ। जब वो कह रहे हैं कि इस तरह से कहीं भी घटना हो रहा है जो भी देगा उजागर करेगा उसको 25,000 रुपया की इनाम रखे हैं, सीमा गौतम श्रवण कुमार निराला जी ने तो पहले ही इस आंदोलन का इस घटना का पहले उजागर किए, तो श्रवण कुमार निराला जी को अपराधी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, आज 33 दिन से वो जेल में पड़े हैं। सीमा गौतम पे अपराधी बना करके FIR कर दिया गया। मैं आज 1 महीने से मैं मारी मारी फिर रही हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बहुत कोशिश से मैं बच बचा करके यहाँ आई, सिर्फ और सिर्फ ये सब हो रहा है क्योंकि हम दलित एक्टिविस्ट हैं, हम दलित हैं। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हम दलितों के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, क्या मैं महिला नहीं हूँ?
मैं दलित की बेटी हूँ, मैं आपके गांव आपके शहर की बेटी नहीं हूँ। मुझे अपराधी मेरी अपराधी रिकॉर्ड बनाने के लिए हर बार जब भी मैं कोई आंदोलन करती हूँ, जब भी मैं कोई भी किसी भी पीड़ित की आवाज़ उठाती हूँ तो मेरे घर पे पुलिस भेज देते हैं। 25 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करके मार दिया गया, उसमें हमने पहल किया, नामजद FIR हुआ, उसमें हमने गिरफ्तारी की मांग किया, तो 7 फरवरी 2023 को आधी रात को हमारे घर पर छापा मारा गया, नोटिस चिपकाया गया कि अगर इसमें कुछ आपने किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ इसलिए ये हो रहा है, मुझे पूरा डर है कि हमारे साथ बड़ी घटना हो सकती है, हमारे साथ कोई बड़ा अप्रिय घटना घटने के हमारे साथ चांस है, क्योंकि हम दलित हैं और दलित होने के कारण हमारे खिलाफ ही छापा जा रहा है। अमर उजाला का आप 18-19 अक्टूबर का हम आपको अमर उजाला का गोरखपुर के मैं आपको अब पेपर के न्यूज़ की बता रही हूँ, जो अमर उजाला ने ये माना है कि कितने लोग कहाँ मर गए, मतलब आत्महत्या कर लिए समूह लोन से, कितने लोग घर छोड़ के गांव छोड़ के मजबूर हो गए, घर छोड़ के चले गए, ये सारे एक तरफ वो लिख रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सीमा गौतम श्रवण कुमार निराला जी दंगा भड़का रहे हैं, इनका आतंकवादियों से इनका संगठन है, इनका आतंकवादी संगठनों से इनका लिंक है, ये है, मतलब हमको किसी तरह से दलित होने के कारण हमें किसी न किसी तरह से आतंकवादी होने का हमें कहीं ना कहीं ये हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने की हमें पूरी कोशिश की जा रही है। आप सभी लोगों से मेरी आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से भी आग्रह है, दिल्ली के प्रधानमंत्री से मेरी आग्रह है कि मैं भी समाज की बेटी हूँ, आपकी देश की बेटी हूँ, आपके राज्य की बेटी हूँ, गरीबों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो हमारे साथ इस तरह अन्याय मत करिए। गोरखपुर के पुलिस प्रशासन जिस तरह से आपके इशारे पे हमारे साथ इस तरह से अन्याय कर रहा है, ये अन्याय को रोकिए। आप किसको दलित की जब चुनाव आता है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दलितों के घर खिचड़ी खाने जाते हैं, दलितों का कहते हैं कि हम दलितों के घर खिचड़ी खा रहे हैं, उनको बराबर की आप बनाते हैं, लेकिन एक सीमा गौतम से आपको इतनी चीड़ हो जा रही है। मैं क्या कर रही हूँ, शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करते हैं, जमीन का आंदोलन हमने मांगा, जमीन की आंदोलन हमने किया, संवैधानिक आंदोलन है साथियों, जमीन होगी तो भूखमरी खत्म हो जाएगी, जमीन होगा तो हमारे समाज की बहू बेटियों के साथ शोषण नहीं होगा, जमीन होगा तो आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे, जमीन होगा तभी हम हमारे साथ में जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो खाई मिटेगी, जमीन होगी तभी तो हम लोग सामान थोड़ा बराबर होंगे, तो जमीन होगी, जमीन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जब तेलंगाना सरकार ने दिया, तमिलनाडु ने दिया, तो हमने मांग लिया तो कौन से गुनाह कर दिया, हमने तो सरकार से, कोई भी मांगेगा तो सरकार से मांगेगा, तो हम भी तो आपसे ही मांग रहे हैं, तो हम मांग रहे हैं कौन से गुनाह कर रहे हैं कि आप हमको किसी को खड़ा कर देते हैं, कभी नाजिर साहब को खड़ा कर देते, कमिश्नर साहब के नाजिर को खड़ा करके हमारे ऊपर आपराधिक हमारे ऊपर FIR कर दिया जाता है, कभी किसी को, मतलब भोपाल में बैठे सोनू सैनी जी जो वाइस प्रिंसिपल हैं जो माइक्रो फाइनेंस के, वो भोपाल में बैठे ये तो देख लिए कि सीमा गौतम श्रवण कुमार निराला जी महाराजगंज जिले में जा कर के लूट रहे हैं, उनको ये कान में सुनाई दे दिया, लेकिन ये क्यों नहीं दिया कि गोरखपुर में या गांव-गांव में जो समूह लोन है किस तरह से जा करके आधी रात के कौन से बैंक के गाइडलाइंस में कहां लिखा है कि आप 8-8-10-10 लोन दीजिए, किस कानून में लिखा है कि आप 8-8-10-10 लोन दीजिए और उसके घर वसूली करने जाइए, तो उसके कहीं पे आधी रात की 11-11 बजे रात को, मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सैकड़ों वीडियो है, जब हम इस आंदोलन को हम लोगों को जब गिरफ्तारी हो गई है, श्रवण कुमार निराला जी आज जेल में है, श्रवण कुमार निराला जी की गिरफ्तारी हो गई, जब मैं ये बात सोशल मीडिया पे रखना शुरू की तो गांव के जो यूट्यूबर हैं वो लोकल यूट्यूबर जा करके वो यूट्यूब से सर्च वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, तो आप सभी लोगों से मैं आग्रह कर रही हूँ, मैं दलित समाज की बेटी हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, श्रवण कुमार निराला जी कोई आतंकवादी नहीं है, समाज के लिए काम करते हैं, तो उनको बार बार जेल में डाल करके उनको ये बताया जा रहा है कि इनको इनके ऊपर ये FIR हुआ था, ये पिछले बार भी आंदोलन में FIR हुआ, अभी भी आंदोलन में FIR हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ये कहीं इसके पीछे जातिवाद तो नहीं है? जातिवाद बिल्कुल है, क्योंकि इसके पीछे बिल्कुल जातिवाद है। अब मैं यही बात कह रही हूँ कि ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन भी होता है, ब्राह्मण महासभा भी अपने अधिकार की मांग करते हैं, वहाँ निषाद महासभा अपनी मांग करते हैं, वहाँ पे यादव महासभा अपनी बात करते हैं, अपनी अधिकार की मांग करते हैं, उनके साथ FIR नहीं होता है, वो भी करते हैं। अभी बीते दिन में अभी एक आंदोलन आरक्षण को लेकर के एक आंदोलन किया गया जो पूरे देश का आंदोलन था, किसी के घर पुलिस नहीं गई, लेकिन सीमा गौतम के घर पर छापा मारा गया,
सरवण कुमार निराला जी के घर पर छापा मारा गया। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि ये हम दलित हैं, हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जातिवाद हम पे भारी पड़ रहा है और हमारी आवाज़ गोरखपुर में तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, आप सुना हो तो मैं अम्बेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत गंभीर आरोप उन्होंने सरकार और प्राइवेट एजेंसियों पर लगाए हैं, जो कि गांव-गांव जाकर समूह लोन देकर लोगों को फिर उनसे वसूली कर रहे हैं। और वसूली करने का तरीका आपने सुना, रात को 11 बजे बहन बेटियों को उठा के ले जाने की धमकियाँ और एक लोन के साथ 10-10 लोन करवा देना, बड़े गंभीर आरोप हैं। अगर आप भी इसी तरह से किसी कंपनी के झांसे में आ रहे हैं तो बचिएगा। पूरी वीडियो के बारे में, पूरे साक्षात्कार के बारे में आपकी क्या राय है? तमाम बहुजन मीडिया पर आप इस खबर को देख रहे हैं। आज दिल्ली के अम्बेडकर भवन से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सहयोग करिए।